अगले प्लीज सर्व मी योर मोस्ट एक्सपेंसिव मील. एनीथिंग विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन. मेरे चैनल पर आपका स्वागत है. आई एम गोपाली एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव ब्लॉगिंग. तो आज हम करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अमीरों वाला चैलेंज. सो इन दिस वीडियो इन दिस चैलेंज आई विल बी ओनली ईटिंग एक्सपेंसिव फूड फॉर लेजिट 24 आवर्स. आई एम सो एक्साइटेड. मैंने ऐसे हर रेस्टोरेंट में और हर वो फूड चेन वाले रेस्टोरेंट्स मतलब मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स जैसी जगह पे भी जाके अगले प्लीज सर्व मी योर मोस्ट एक्सपेंसिव मील. यू नो आई जस्ट हैव एक्सपेंसिव फूड सो आई एम सो एक्साइटेड टू डू दिस. बट या राइट नाउ इट इज 9 o'clock और ये आप देख ही रहे हो मैं एकदम गुड गर्ल बन चुकी हूँ. एंड हम ब्रेकफास्ट के लिए जहाँ जा रहे हैं आई हैव नेवर बीन देयर एंड आई एम सो एक्साइटेड ना थोड़ी तब तक वो बन जाती हूँ. थोड़ी ऐसी ना एक्सपेंसिव फूड मांगना होगा तो एक्सपेंसिव वाली शक्ल भी तो होनी चाहिए ना. तो इस शक्ल को एक्सपेंसिव बनाना मुश्किल है बट स्टिल विल ट्राई टू बट लाइक यस मैम. Sorry. So guys, जिंदगी as usual चल रही है. मैं तैयार हो चुकी हूँ और जानवी अभी भी तैयार होना बाकी है. आओ करके कोई कुछ नहीं हो जाता. यू आर लेट. हमने बोला था हम 9:30 बजे तक निकल जाएंगे. इट इज 10 o'clock. ब्रेकफास्ट 11 बजे खत्म हो जाता है. जानवी why don't you understand? I can't be like you know. Guys, we are here at JW Marriott और ये देख रहे हो जानवी एंड जानवी स्लीक लुक. तो जिस दिन आपने वाल धुले और आपकी बहन करे जल्दी चलो भूख लगी है उस दिन आप ऐसा स्लीक लुक लेके आओ क्योंकि ब्लो ड्रायर जिसके घर पे ना हो ना उसका यही हाल होता है. द एक्सपेंसिव ब्रेकफास्ट यार मेरा मास्क ही निकल गया ऐसे अपनी फालतू गंदी अदाएं दिखाने में. स्कूल के टिफिन की याद आ गई मुझे. हेलो गाइस, बहुत 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 सारी चीजें फ्रेश फ्रूट फ्रेश चिप्स फ्रेश दस फ्रेश फ्रूट्स पोहा वो मिसल दस पैक. मैं घर पे कभी जूस नहीं पीती हूँ. नेटफ्लिक्स के शोज में ना लोगों को ऐसे पैनकेक खाते हुए देखा है. ऐसे नहीं थोड़ा अच्छे से. ओह हनी द पैनकेक्स आर सो यम्मी. यू डेफिनेटली नीड टू ट्राई दिस आउट. यू डेफिनेटली ट्राई. तुझसे 1000 गुना अच्छे बने जाने. थैंक यू सो मच सर. इतना सारा पैसा ले रहे हैं तो मग हमें लेके जाने में भी सब ब्रेकफास्ट दिस इज लाइक द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रेकफास्ट आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ है ना. हम इतना महंगा तो but I'm just so excited. Eating raw chocos but I'm just having some pongal, yummy pongal. The breakfast is yummy. हम ऐसी जगह गए ना इसे बेटर ब्रेकफास्ट सर्व होता है और सस्ता ब्रेकफास्ट होता है. लेकिन बाप के पास तो क्या दुनिया भर का पैसा है जो हम देने वाले हैं आज. बट इट इज नॉट वर्थ इट. बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव. जानवी तू भर रही है बिल. अच्छा टेल देम हाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 1652 वापस जाने को लेके मेंस वॉशरूम में चली गई. चल मुझे पता है लेके चलती हूँ जाने वहां जाके. ये सिस्टम हमारा नहीं लग रहा है. को अगर एक वर्ड में ब्रेकफास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो क्या क्या बोलेगी तू. ओके ओवर हाइप्ड ओवर एक्सपेंसिव ये दो वर्ड से बोलने थे मुझे. लेट्स गो होम. उसके बाद देखते हैं हम और कहाँ जाके सबसे महंगा खाना खाएंगे. लाइक और शेयर नहीं किया ना वीडियो को तो मैं बताती हूँ. करो लाइक करो. हाँ डू इट राइट नाउ. शेयर भेजो सब्सक्राइब.
राइट नाउ इट इज 2 o'clock और जानवी को पता नहीं इतना ज्यादा नहीं पड़ रहा है जितना जानवी को लग रहा है, मतलब इतनी ठंड नहीं पड़ रही है बेसिकली. गाइस 2 बज गए हैं पर क्योंकि ब्रेकफास्ट हैवी हो गया था सो आई एम नॉट हंग्री बेसिकली, बट स्टिल हमें मैकडॉनल्ड्स जाना है तो मैं और मम्मा हम जाने वाले हैं. और मैंने ना मतलब आई एम गेसिंग कि महाराजा मैक उनका सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मतलब फूड में होगा, बट आई नेवर ट्राइड हैविंग महाराजा मैक सो आई डोंट नो, बट देखा है कि वो बहुत बड़ा आता है सो आई एम जस्ट थोड़ा सा से टेंशन है मेरे को कि कैसे खाएंगे हम. बढ़िया एनी वेज अभी मैं ऑलरेडी 1652 रुपए का 1652 रुपए बताया कि मैंने 800 रुपए का ब्रेकफास्ट किया. अच्छी बात नहीं है तो मम्मी अब हम मैकडॉनल्ड्स में जाके बोलो, आप जाके बोलना भैया आपके जो सबसे महंगा वाला हो मुझे वो दे दो, मैं सिर्फ महंगी चीजें ही खाती हूँ. जानवी को बहुत जोर से भूख लगी क्योंकि नींद भी आ रही है मुझे, लेकिन इस लड़की की वजह से ना मैंने कुछ खाया है और सुबह से पता नहीं क्या. मेरे साथ साथ जानवी का भी चैलेंज चल रहा है, तेरी तो चीपेस्ट में तो तूने मेरे साथ देखा था, एक्सपेंसिव में तू आ गई है मेरे साथ. ओके गाइस लेट्स गो. हेलो गाइस सो दिस इज मी आस्किंग टू मैकडॉनल्ड्स पीपल कि क्या सबसे ज्यादा महंगा खाने पीने में क्या है, वो मुझे बता रहे थे. दिस वाज सच अ फन क्लिप बट आई डोंट नो हाउ टू यूज अ गोप्रो, कुछ मैंने कहीं तो कुछ गड़बड़ कर दी थी तो फास्ट फॉरवर्ड चालू हो गया था. दे टोल्ड मी टू हैव अ महाराजा मैक और पनीर रैप, जो ये दो चीजें थी जिनका प्राइस सेम था. एंड पीने में दे टोल्ड मी टू हैव महा महा सम मैंगो स्मूदी, बहुत बड़ी महंगी. ओके गाइस वी हैव ह्यूज महाराजा मैक, मैं पहली बार ये ट्राई करने जा रही हूँ. 2 बर्गर इकट्ठे हैं, हाउ टू ईट इट, इट इज नाइस बट इट इज सो हेवी, मैं इसको टुकड़े में करके अपने 3 दिन में खा पाऊँ. मेरे मुंह जितनी बड़ी इनकी स्मूदी है. आमरस विद सम अंग्रेजी फ्लेवर है, वेरी नोन बट थोड़ा अंग्रेजी सा, थोड़ा अलग फ्लेवर है. और इतना बड़ा बाटा भर के दिया है, नहाना थोड़ी है मुझे इससे. अच्छा जानवी प्लीज फोकस ऑन माय मोस्ट एक्सपेंसिव रैप एज वेल, ये मम्मी को खाना था, ये हमने पहले भी लिया था फिर ये भी ट्राई करके देखना है. गरम है ऐसे कौन खाता है, मम्मी की पराठा पनीर पराठा जैसा. मैं इसको खोल के देख लूँ, मतलब सेम ऐसे बना के आपको. फिर हम खोलेंगे मैकडॉनल्ड्स बट बेटर. थोड़ा मुझे फ्राइज बहुत ज्यादा पसंद है, यहाँ पे फ्राइज है बट टुडे आई वोंट बी हैविंग फ्राइज क्योंकि फ्राइज असो सस्ता, आई डोंट हैव फ्राइज, मैं सस्ती चीजें नहीं खाती. आई एम नॉट हैविंग फ्राइज टुडे बट बिलीव मी अंदर तो बहुत दुख है. जानवी का काम है हर जगह जाके मैंगो मिल्कशेक ट्राई करना, नॉट गुड. Eating Maharaja is so messy. मेरा हो गया, मतलब मेरे को देख के इतना सारा कहेंगे वो डन 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 पनीर रैपर्स में, मतलब बर्गर से इसमें वो ज्यादा है, फ्लेवर ज्यादा है महाराजा मैक में. हेलो गाइस, तो हमने ना हमारा लंच करने के बाद हमें काफी सारे काम थे इस एरिया के तो हमने वो सारे काम निपटा लिए हैं. एंड राइट नाउ आई एम हियर एट स्टारबक्स क्योंकि मैंने यहाँ से चीपेस्ट वाले में ब्लैक कॉफी ट्राई की थी. सो नाउ आई एम एक्साइटेड टू नो कि इनके यहाँ सबसे महंगी चीज क्या है. सबसे महंगा यही है और मेरी मम्मी को वैसे ही स्टारबक्स बहुत महंगा लगता है और ओवरहाइप लगता है. तो आज तो मम्मी की धड़कनें तेज चल रही है. सो यस लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स टेल देम भैया चूची सबसे महंगी है वो दिखाइए. पैसे बर्बाद करके क्या 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 पैसे बर्बाद करके आ जाए. हेलो यस आई जस्ट नीड एनीथिंग विच इन योर बेवरेज मेन्यू इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग. आई एम डूइंग अ वीडियो वेर आई जस्ट नीड टू ट्राई एक्सपेंसिव फूड फ्रॉम ऑल द फूड चेन्स सो एनीथिंग विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन. कोल्ड और हॉट विल डू. छोटी वाली ड्रिंक लिए, दिस इज वेंटी. हमने हमेशा अरे इतना ही टाइम लगता है यू नो साउथ दिल्ली की आंटीज को गुजरात पहुंचने में. दिस इज वेंटी डार्क मोका कुकी क्रम्बर. ओह
मम्मी का ऑफ वाज ऐसे पता है इतनी हॉट लड़कियां जा रही है स्टारबक्स के अंदर एंडली मैं बता रही हूँ जितना इस पे टैक्स लगाया ना उतने की तो मतलब टपरियों पे चाय मिल जाती है पूरे हफ्ते की। जैसा अगर मुझे टेस्ट पसंद आ गया तो सारा सबसे महंगा ड्रिंक पीना पड़ेगा बट तो शॉर्ट में लेगी या वो जो टॉल आता है इनका उसमें लेगी उसमें चलेगा। बॉर्नविटा के साथ कुछ और भी मिला दिया बट इट्स नाइस लाइक इट्स वार्म क्रिसमस टाइम वाली फीलिंग आ रही है। जानवी को हर जगह ऐसा ही लग रहा है मतलब इट इज नॉट सो ग्रेट कि ओह माय गॉड क्या मस्त चीज एक्सप्लोर किया मैं तो यही पिएगा अभी नहीं नहीं बट इट्स नॉट बैड इट इज नॉट कि हम बार बार आके सिर्फ प्लीज नहीं बट आई लाइक इट द आफ्टर टेस्ट इज रियली इवन आई लाइक इट। इसका नाम क्या है अरे अभी तो इतना लंबा पड़ा था यार ऐसे जैसा तो नाम है वेंटी डार्क मोका कुकी क्रम्बल बोलियो वेंटी डार्क मोका कुकी क्रम्बल ये देखा महंगे लोगों के साथ रह के ना मुझे दोनों बार इतना ऑकवर्ड लग रहा था ना सब ऐसे थे कि क्या चल रहा है और क्या पीछे भी लोग लगे हुए थे लाइन में लाइक अरे यार जल्दी करो यार बॉक्स वगैरह जा रहे हो तो यू कैन ट्राई दिस आउट ये कॉफी नहीं है दिस इज लाइक चॉकलेट काइंड ऑफ ड्रिंक शॉर्ट नेम है इसका सबसे महंगा ड्रिंक इतना बड़ा ड्रिंक पीने के बाद विल हैव डिनर बस मेरा हो गया मेरा भी हो गया सब्सक्राइब टू माय चैनल मेरा चैलेंज भी था ये कोलैबोरेशन था नहीं कर दिया इसने ये क्या कर रही है सॉरी डाल ना ये सॉरी ऐसे लो लेट्स गो ओह लेट्स वेयर माय मास्क देखो पुलिस भी सबसे महंगा चालान काटेगी तो ये बोला भाई साहब आज मेरा सबसे महंगा वाला महंगा चालान काटो क्योंकि आप महंगी कर रहे हो। हेलो गाइस सो बेसिकली अभी हम घर जा रहे हैं एंड राइट नाउ इट इज 7 o'clock एंड आई नो कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली है अभी ये भी पड़ा एंड दिस इज सो हैवी सो आई विल डेफिनेटली नॉट हैव एनीथिंग हैवी सो क्योंकि अब मैंने सारे ना सिर्फ बड़े बड़े स्टोर्स पे जाके तो कर लिया नाउ आई एम गोइंग टू अ फ्रूट शॉप। भैया सबसे महंगी फ्रूट कौन सा इस समय कल अंगूर है महंगा तो जो सबसे महंगा हो वो मुझे दे दीजिए आप कितना देंगे थोड़ा सा चाहिए बिल्कुल तो सबसे ज्यादा महंगी चीज में वो बाजार में वही खानी है। हाँ तो आज देख लीजिए मैं आपके यहाँ इसीलिए आई हूँ दे दीजिए ₹175 इसका। गाइस भैया इज सो हैप्पी क्योंकि मैंने ना कुछ आज बार्गेनिंग करवाई है एंड आई वो ही कह रहे थे उनकी पूरी फ्रूट की लेकिन ना फ्रूट सेलिंग की हिस्ट्री में पहली बार कोई ऐसे आया है एंड उन्होंने ऐसा बोला वी हैव हियर सम काइंड ऑफ ग्रेप्स और एक अनार। ये जो ग्रेप्स हैं ये ₹375 किलो है और अनार जो है वो ₹320 किलो है सो यार दिस आर द एक्सपेंसिव फ्रूट्स लेट्स गो। चाहे आप कितने भी अमीर बन जाओ बट आपके जो सस्ते नशे हैं वो आप कम नहीं कर सकते हो। आई एम मिसिंग माई आलू भुजिया सो बैडली आलू सेव आलू भुजिया मैंने पूरे दिन से एक भी थोड़ी सी भी आलू भुजिया सेव नहीं खाई है। आज हमें खाने हैं ये महंगे वाले ग्रेप्स ये ₹375 के हैं। मैंने ये ग्रेप्स ट्राई किए हैं इसमें ना बीट होता है मुझे बहुत डर लगता है मैं बीट खा लूंगी मैं पानी खा लूँ मैं ग्रेप खा लूँ। बचपन में तो मुझे सचमुच ऐसा लगता था मैं बीज खा लूंगी और पेट में पेड़ बन जाएगा फिर क्या होगा बहुत चिंता होती थी मैं बीज खा लेती थी बाप रे अलग ही मेरे को मतलब इतना टेंशन हो जाता था ना। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग इट इज द नेक्स्ट डे और हमारा एक्सपेंसिव फूड चैलेंज खत्म हुआ। आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो इफ यू डिड सो लाइक कर देना लाइक जरूर कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब करना कमेंट करके बताना आपको और कौन से इस तरीके के चैलेंजेस देखना है। आई एम गोना मीट यू इन द नेक्स्ट वन तक बाय बाय टेक केयर बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस टाटा।